ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਹਾਂ ਗੋੜੇ ਹਲੋ ਹਲੋ वो AK-47 से गोलियां बरसा रहे थे लगातार बार बार गोलियों की गूंज खेतों के सन्नाटे को चीर रही थी बार बार लगातार नहीं चला अंदर लाते थे बंद करते कितना गड्ढी हां गोलियां हेलो 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 हां 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 एक मिनट आ रहा हेलो 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 आ रहा मेरी फोटो तो आ रही है पीछे को बदमाश पुरानी हवेली में छिपे थे पूरी की पूरी पूरी फोर्स ने चारों तरफ से शातिरों को घेर लिया था पुरानी हवेली में 6 से 7 शूटर होने की खबरें आई इलाके को करीब 300 पुलिस वालों ने घेर लिया था हर कोई ये जानने को बेताब था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है देखते ही देखते पंजाब के अमृतसर जिले के चीचा भकाना गांव में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच चल रही मुठभेड़ की खबरें तमाम न्यूज चैनल पर सुर्खियां बनकर चलने लगी और जब पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच चल रहा एनकाउंटर खत्म हुआ तो पता चला कि इस एनकाउंटर में 4 बदमाश ढेर कर दिए गए मगर एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले 3 आम नागरिक भी घायल हुए मगर सवाल ये कि ये गैंगस्टर हैं या आतंकी सवाल ये भी कि क्या ये मूसा वाले के हत्यारे थे और सवाल नंबर 3 ये इस गाँव में क्या कर रहे थे पहला सवाल ये कि ये गैंगस्टर हैं या आतंकी तो इस सवाल का जवाब ये है कि अभी ये साफ नहीं हो पाया सवाल नंबर 2 कि आखिरकार क्या ये मूसा वाले के हत्यारे थे खबर है कि इस एनकाउंटर में सिद्धू मूसा वाले मर्डर केस से जुड़े 2 गैंगस्टर भी ढेर हुए हैं इनका नाम जगरूप रूपा और मनप्रीत उर्फ मनु घूसा बताया जा रहा है खबरें ये भी हैं कि दोनों ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की गैंग के शार्प शूटर थे इससे पहले पुलिस ने बिश्नोई गैंग के एक शार्प शूटर को गिरफ्तार करने का दावा किया था दावा अंकित सिरसा को गिरफ्तार करने का था वही अंकित जिसने मूसा वाले पर नजदीक से गोली चलाने की बात कबूली थी अंकित सिरसा से पहले प्रियव्रत को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जबकि सचिन भवानी ने सुधू मूसा वाले मामले के 4 शूटरों को पनाह दी थी जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था तो क्या 29 मई को पंजाब के मनसा जिले के जवाहर के गांव में नजदीक से सिद्धू मूसा वाले पर गोलियों से भून कर हत्या करने वालों का हिसाब किताब चुकता हो चुका है वैसे कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी गोल्डी बिहार तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी है तो जब तक गोल्डी बरार कानून की गिरफ्त से बाहर है तब तक मूसा वाला हत्याकांड के हत्यारों की फाइल खुली रहेगी ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया